सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः स्वागतं वर्तते। आप सभी मित्रों का पुनः एक बार से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार ज्ञान की राजधानी में। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि शिक्षा शास्त्री की इसकी प्रवेश परीक्षा हुई थी और इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट और इसका जो रिजल्ट आने वाला था, इसकी काफ़ी दिनों से अधिकांश लगभग जो भी छात्र फॉर्म भरे हुए थे सभी लोग इसका वेट कर रहे थे। तो उसमें काफ़ी कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने कि संस्कृत संस्थान में भी अपना फॉर्म फिलअप किया था, प्लस LBS में भी फिर अपना फॉर्म फिलअप किया था। तो वो लोग सोचे थे कि हम एडमिशन LBS में लें, पर वहाँ का रिजल्ट नहीं आया था, तो इस कारण उन लोगों को अपना संस्थान में एडमिशन कराना पड़ा था। तो काफ़ी इसमें ये चीज़ रहा था, तो काफ़ी संशय का यह विषय रहा था अभी तक काफ़ी दिनों से, जो ये रिजल्ट नहीं आया था। आखिरकार आज ये आपके सामने आ चुका है रिजल्ट। इसका फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है, इसमें ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न सभी कैटेगरीज इन्होंने डिवाइड करके इसका रिजल्ट इनके द्वारा अपलोड कर दिया गया है इनकी वेबसाइट में। तो ये एक PDF के तौर पे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी को हम एक बार देखने वाले हैं। और इसमें आप लोग की काउंसलिंग किस प्रकार होगी, आपको क्या करना है, फीस पेमेंट आपकी कैसे होगी और आगे की जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी, तो सब मैं आपको इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाला हूँ। और साथ ही साथ जिन लोगों का अभी इसमें नाम आया हुआ है, उन लोगों ने हो सकता है कि एडमिशन संस्थान में ले लिया हो या ले चुके हों, तो अब वो लोग अगर वहाँ से नहीं जाना चाहें, तो जो लोग बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी संस्थान में, उन्होंने करवा लिया है 24 तारीख को, तो अब वो लोग उनकी सीटें वहाँ बच जाएंगी, तो इसलिए सेकेंड लिस्ट का वेट काफ़ी लोग करेंगे। तो वो कब तक आएगी, तो सभी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जो ये नोटिफिकेशन है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन शिक्षा शास्त्री BEd थ्रू NTA CUET PG एंट्रेंस टेस्ट 2023 इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो इसमें इन्होंने अपनी वेबसाइट यू इनकी है, यहाँ पे ये PDF अपलोड इन्होंने किया है। ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एवं व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त सुबह ही जब आया था तब आपको प्राप्त करा दिया गया था। तो काउंसलिंग के लिए इन्होंने देखिए यहाँ पे अपना इन्होंने जो डेट दिया, रिपोर्ट ऑनलाइन फॉर काउंसलिंग एडमिशन ऑन 29th and 31st अगस्त। तो 29 एवं 31 अगस्त को आपकी काउंसलिंग होने वाली है, जो कि 2 दिन होगी काउंसलिंग, 10:10 AM थ्रू द लिंक गूगल मीट प्लेटफॉर्म। तो एक ऑनलाइन लिंक गूगल मीट की आपको दी जाएगी, जिसके थ्रू आप लोगों की काउंसलिंग होगी। तो गूगल मीट में आप लोग को जुड़ना हुआ है, आप लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइडेड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप बाय द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा शास्त्र विभाग है LBS का, उनके द्वारा एक ग्रुप बनाया जाएगा। जितने भी लोग उसमें कैंडिडेट्स जितने फर्स्ट लिस्ट में आए हुए हैं उनके वहाँ पर नंबर उनके पास हैं, तो वो लोग फर्स्ट जो लिस्ट आई हुई है उसका एक नोटिफिकेशन उन सभी की जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपको जानकारी दी जाएगी इसके विषय में। जो गूगल मीट की लिंक है वो भी आपको उसी ग्रुप में दी जाएगी, तो उसमें आपको जुड़ना होगा 10 बजे और नंबर वो दे देंगे अपना किस समय किसको जुड़ना है। तो इस तरह से आपको वहाँ जुड़ना होगा, उसके बाद उसी लिंक के माध्यम से आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके पास जीमेल में एक लिंक आएगी, जो कि फीस पेमेंट के लिए होगी। उसके बाद आपको अपने पोर्टल में जाके, वेबसाइट में जाके जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया था वहाँ जाके अपनी फ़ीस पेमेंट कर देनी होगी। तो ये इसकी प्रोसेस रहेगी, जो आपका एडमिशन जो इसमें काउंसलिंग होने वाला है इसके विषय में। और बाकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका रिजर्वेशन, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे ओरिजिनल होने चाहिए, जो आप काउंसलिंग करवाते हैं। और ओरिजिनल नहीं भी है तो एप्लीकेशन आप उसमें दिखा सकते हैं, तो बाकी बात कर सकते हैं वहाँ पे। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका फेक पाया जाता है, मतलब गलत पाया जाता है, आपने जो पहले काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन जब किया था उस समय जो आपने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तो उससे क्या आपको होगा कि आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है इस स्थिति में। तो ये इनके द्वारा इसमें लिखा गया है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं इस तरह की कोई जानकारी है। तो फीस पेमेंट के बारे में बताया कि 29 यानी कि 29 तारीख को जो जिनकी काउंसलिंग हो जाएगी उन लोग को मेल आ जाएगा, उनको मेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपनी मेल में जाके लिंक आपको दे देंगे, वहीं जाके अपने रजिस्ट्रेशन में आपको अपने पोर्टल जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ जाके आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी होगी। तो ये इसकी जो प्रोसेस रहेगी काउंसलिंग के बाद फ़ीस पेमेंट की, ये रहेगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स का इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया वो भी सब इसमें नीचे दिए गए हैं, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो बाकी इसमें सब इसी के विषय में बताया गया है कि आपको एडमिशन जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको लेके आने हैं। अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो ये भी इसमें सब किस तरह आपको करना होगा बताया हुआ है। बाकी अगर डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन नहीं हो पाता तो आपका उसमें स्वतः आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर कुछ गलती होती है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी, सब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है इसके विषय में। और रिजर्वेशन इत्यादि जो भी आपके EWS है, OBC, SC, ST सभी आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने वेरीफिकेट करने होंगे। तो ये सब यहाँ
यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए लिस्ट यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने ट्रेडिशनल के जनरल कैटेगरी में ट्रेडिशनल की दी हुई है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर में अरुण जी हैं। तो इसी तरह यहाँ पे टोटल लगभग कितने लोग हैं, 35 लोग हैं, 35 स्टूडेंट्स जो कि हैं जनरल कैटेगरी में इनका चयन हुआ है इस समय LBS में। तो ऐसा नहीं कि देखिए आप सोचेंगे कि फर्स्ट जो रैंक है इनकी है, ऐसा जो LBS में जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उसके अनुसार इन्होंने रैंक निकाली हुई है। जो टोटल जितने लोगों ने एग्जाम दिया था, अगर आप उसके हिसाब से रैंक देखते हैं, तो वो पहले से एक बार संस्थान के नोटिफिकेशन निकाला हुआ था, उसमें आपने अगर देखा होगा आपके कितने मार्क्स हैं कितने नंबर, तो उसके हिसाब से फर्स्ट रैंक के हिसाब से वहाँ से हम देख सकते हैं उसको। पर यहाँ पर जितने लोगों ने फॉर्म वहाँ पर फिलअप किया है LBS में, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ये उनके अनुसार पर यहाँ पर इनकी लिस्ट आई हुई है। तो जितने स्टूडेंट्स करना चाहते हैं इनका रजिस्ट्रेशन जो जो हुआ होगा, ये उनके अनुसार यहाँ इन्होंने लिस्ट निकाली है। 35 स्टूडेंट इसमें हैं जनरल में, इसमें से बहुत सारे जो कि एडमिशन ले चुके हैं अलग अलग कैंपस में, तो वो लोग जो अब नहीं देंगे तो उनके बदले इसमें सीट्स काफ़ी खाली हो जाएंगी। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन का समय था उस समय ऐसा नहीं था कि ये दोनों का, क्योंकि रिजल्ट उसका तो पहले आ गया और उसका नहीं आया था, तो अधिकतर लोग ले चुके हैं। बाद में इसमें दोबारा जो लिस्ट आएगी और बढ़ेगा, उसमें नाम आएगा काफ़ी लोगों का। ऐसे ही सभी ये है इस वक्त OBC कैटेगरी ट्रेडिशनल में। आगे इसमें भी 32 लोग OBC से हैं। आगे देखिए EWS कैटेगरी है, 12 लोग EWS से लिए हुए हैं। और आगे फिर PW स्पोर्ट्स कैटेगरी है, इसमें एक स्टूडेंट का चयन किया गया है। आगे है PWD कैटेगरी, इसमें भी एक स्टूडेंट हैं। और इस तरह फिर SC है, SC में आपके 18 स्टूडेंट्स हैं और 9 स्टूडेंट हैं ST कैटेगरी में। और इसके बाद आगे देखिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैटेगरी, तो यूनिवर्सिटी में जो पहले पुराने वहाँ के छात्र हैं उनकी भी एक कैटेगरी इनके द्वारा वहाँ पे निकाली गई है। तो इसमें ये इसको भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें 10 लोग का नाम इसमें आया हुआ है। आगे इसके बाद देखिए फिर जनरल मॉडर्न के यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये मॉडर्न में जितने लोग हैं इन लोग के फर्स्ट लिस्ट है, 28 स्टूडेंट है जो कि मॉडर्न में यहाँ पे इनके द्वारा फर्स्ट लिस्ट में चयनित किए गए हैं जनरल के। आगे OBC में कितने हैं, OBC में देखिए 22 स्टूडेंट OBC में हैं। आगे EWS में 8 स्टूडेंट हैं। तो काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन हो चुका है संस्था LBS में, काफ़ी लोगों का नाम आया हुआ है SC कैटेगरी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 स्टूडेंट SC कैटेगरी में हैं और ST में हैं 6 स्टूडेंट जो कि मॉडर्न स्ट्रीम के हैं। और इसी तरह OBC और स्पोर्ट्स यहाँ पे एक हैं और PWD से 2 हैं, प्लस शिक्षा शास्त्री और काउंसलिंग ये है आर्म्ड फोर्स यानी कि सेना संबंधित जिनके परिवार से कोई हैं, तो एक यहाँ पर एक स्टूडेंट है इसमें भी हैं। तो इस तरह टोटल सभी स्टूडेंट जितने यहाँ पे सीट्स होंगी उसके अनुसार इन्होंने इसको डिवाइड करके PDF के रूप में इन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है। तो आपका अगर इसमें नाम है तो आप अगर को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग कब होगी यही आपको वहाँ पर सूचना दे दी जाएगी। तो आप सभी लोग, अधिकांश हो सकता है कि कुछ लोग ग्रुप में जुड़ चुके हों और नहीं तो आप लोग कल तक जुड़ जाएंगे, 29 तारीख कल आप सुबह तक जुड़ जाएंगे, तो देख लीजिए। बाकी अगर आपको कुछ समस्या हो तो आप यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे इसके नंबर भी दिए हुए हैं। वहाँ जाके आप इसकी वेबसाइट में जाके LBS अगर गूगल में आप सर्च करते हैं तो ब्राउज़र में, तो वहाँ जाके भी आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, नहीं आपको वहाँ जोड़ दिया जाएगा शिक्षा शास्त्र विभाग से। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही, और सेकंड लिस्ट की अगर बात करें देखिए कब तक आएगी, तो वो भी इसके लगभग एक हफ्ते में, एक हफ्ते से तक इस मान लीजिए 31 इसकी लास्ट डेट है, 31 यानी कि 5 तक वो भी सेकंड लिस्ट भी इसकी आ जाएगी। और संस्थान की बात करते हैं अगर सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, तो वहाँ की भी एक दो दिन में आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगी उसकी वेबसाइट में। तो अस्तु इस वीडियो में इतना ही, नमो नमः, धन्यवाद।